बड़वा की संभवतया पहली ये लूट की घटना है जिसमें दिन दहाड़े घर के लोगों को बंधक बनाकर लूट की गई है। इससे बड़वा का व्यापारी वर्ग चिंतित ही नहीं नाराज भी है। ऐसी लूट की घटनाएं 20 दशक पहले आम थी। अब प्रशासन की मुस्तैदी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के हौसले पस्त करती आई है, मगर ये लूट की घटना आम जनता को सोचने पर मजबूर करने वाली है कि वह सुरक्षित नहीं है। आरोपियों को शीघ्र पकड़े और प्रशासन की मौजूदगी का एहसास दिलाने के उद्देश्य से समस्त व्यापारी संगठन, समाजजन एवं राजनीतिक संगठन बुधवार को महात्मा गांधी मार्ग स्थित आनंदेश्वर मंदिर पर एकत्रित हुए। इसके बाद सभी पैदल रैली के रूप में SDM कार्यालय पहुंचे, जहां SDM अनुकूल जैन को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं नगर में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने की मांग की। वहीं शांतिपूर्ण बड़वा नगर में आगे ऐसी कोई भी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए शासन प्रशासन से नगर में CCTV कैमरे लगवाने की मांग की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 10 जनवरी 2022 सोमवार सुबह 9 बजे अनाज व्यवसायी श्री रवि हरण के यहाँ दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अज्ञात आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया, जिसके कारण नगर की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर आम जन में चिंता व्यक्त होने लगी है। अज्ञात आरोपियों द्वारा दिन दहाड़े रवि हरण के निवास पर की गई इस वारदात ने शासन प्रशासन को एक गंभीर चुनौती दी है। नगर में बीते 1-2 वर्षों से बड़ी बड़ी लाखों रुपये की नकदी एवं सोने चांदी के आभूषणों की चोरी की घटना हो चुकी है, जिसमें कमर कॉलोनी स्थित श्री मनोज गोयल, श्री कैलाश गोयल, श्री पवन भीते व इंदौर रोड पर स्थित श्री पशुपतिनाथ तिवारी के निवास पर भी लाख चोरी और लूट की वारदातें हो चुकी हैं, परंतु 2 वर्षों में इन चोरियों का भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं से शहर के कानून व्यवस्था पर भी प्रश्नचिन्ह अंकित हो रहा है। हम सभी बड़वा नगर के नागरिक, समाज बंधु एवं राजनीतिक संगठन आपको ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करते हैं, अगर 8 दिन में अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो आगामी दिवस में हम सब मिलकर नगर बंद जैसी कार्रवाई करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। यह 10 तारीख को रवि एरन जो कि इंदौर रोड नाके पर रहते हैं, बड़वा के प्रमुख अनाज व्यवसायी है, और उनके घर पर सुबह 9 बजे एक लूट की वारदात हुई है, जो कि बहुत ही इस तरह की वारदात थी कि इसके अंदर किसी की जान भी जा सकती थी। उस समय रवि हरण ने अपने विवेक का परिचय दिया और लुटेरों को जो है बोल दिया गया कि तुमको जो चाहिए वो तुम ले जाए, परंतु हमारे घर पर किसी तरीके की जनहानि ना करें। यह उनके अदम्य साहस का प्रयास था। यदि इसके अंदर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा समाज तो नहीं, पर हमारा पूरा बड़वा जो है क्रमिक रूप से पहले तो जो है व्यापारी संस्थानों को बंद करेगा, और उसके बाद भी यदि प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो हम लोग जो है यहाँ पर नाकाबंदी करेंगे, रोड बंदी करेंगे और अनाज मंडियों को बंद करेंगे, और सरकार को जो है इस कार्य के लिए हम प्रेशराइज करेंगे कि वो जो है इनको अपराधियों को पकड़ने के लिए अपना प्रयास बनाए रखें। हमारे अनुभागीय अधिकारी जो हैं वो समय समय पर पुलिस विभाग से इस तरीके की समीक्षा बैठक लेकर के और क्या अपराध के अन्वेषण के अंदर उन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस किए उसको पब्लिक के प्रेषित करते रहे। तारीख को जो लूट की घटना अंजाम दिया गया है अज्ञात लोगों द्वारा श्री रवि हरण जी के निवास पे, उसमें ये बड़वा के इतिहास की पहली घटना है जो इस तरह से दिन दहाड़े मेन रोड पे इतना गंभीर कृत्य किया गया। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आज SDM महोदय को ज्ञापन देने आए थे, सभी समाज के लोग। क्या मांग की आपने प्रशासन? हमने प्रशासन से मांग की कि एक तो अविलंब सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, और पहले भी जो घटनाएं घटी हैं बड़ी बड़ी चोरियों के आज से 1.5 साल पहले, उसमें आज तक किसी का भी कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है, उनका भी पर्दाफाश किया जाए, शीघ्र से शीघ्र सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ज्ञापन में आपने 7 दिन का उल्लेख करा है जी, अगर 7 दिन के अंदर आरोपी पकड़े जाते हैं तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो हम लोग व्यापार मंडल सब एक जगह बैठ कर फिर से निर्णय लिया जाएगा, व्यापार 1 दिन के लिए बंद किया जाएगा। इसके लिए हम लोग सभी व्यापारी एक बार फिर से मीटिंग करेंगे, अगर पुलिस ने गंभीरतापूर्वक कार्रवाई नहीं किया और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो। क्या नाम आपका? राजेंद्र अग्रवाल, अग्रवाल समाज अध्यक्ष बड़वा। समाज राजनीतिक दल और एसोसिएशन के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, उसमें जो 10 जनवरी को घटना हुई थी, जो अनाज व्यवसायी के घर पे लूट के संबंध में जो घटना हुई थी, उसके संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, और उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने ये कृत्य किया है वो पकड़े जाएं और उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई हो सके।
ये पुलिस विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है और जल्दी जो है इस घटना का खुलासा हो जाएगा। और जहां तक प्रश्न है कि भविष्य में इसी पुनरावृत्ति न हो, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में विभिन्न स्थानों पर कैमरा लगाया जाना है या नगर सुरक्षा समिति को सदृढ़ किया जाना है, इस संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।